हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड हाउस साइंस क्लासेस में। बच्चों, बोर्ड परीक्षा जो यूपी बोर्ड की है, यह लगभग आप मान के चले 100% की बोर्ड परीक्षा की होनी है। इसलिए आप लोग खूब मेहनत करते रहें और अपने सिलेबस का रिवीजन करते रहें। इसी के उपरांत मैंने एक वीडियो पेश किया है, ये हमारा वीडियो आज का है, जिसका जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। भौतिक विज्ञान से संबंधित है, 10 11 12 यानी 10 और 12 दोनों से संबंधित है, जिसमें बड़ा ही टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको कहते हैं ओम का नियम। पहला है आपका ओम का नियम। ओम शिला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओम शिला। ओम देखिए, ओम कौन है? ओम एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पहला पॉइंट भी नोट करिए इसका। ओम का जो पूरा नाम है वो नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम का जो नाम, जो नियम प्रतिपादित किया है ओम ने, वो जो नियम ओम के द्वारा दिया गया है, तो ओम के वैज्ञानिक का जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज साइमन ओम। ये वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम। कई बार आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि ओम का पूरा नाम क्या, पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर है कि ओम का जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या अपना नियम दिया? उन्होंने विद्युत चालक के ऊपर विभवांतर और धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, उस संबंध के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ठीक है, क्या दिया उन्होंने? बताया, ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, जैसे उसका ताप है, दाब है, लंबाई है, तो वो जब अपरिवर्तित रहेगा तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर धारा के तथा उसमें बहने वाली जो धारा है I, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या क्या दिया उन्होंने? देखिए, उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या है? लंबाई है, ताप व दाब, लंबाई, ताप व दाब अपरिवर्तित रहे, तो उनके सिरों के बीच तो उनके सिरों के बीच विभवांतर को बी से प्रदर्शित करते हैं, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह नियम दिया जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है बच्चों, तो जॉर्ज साइमन ने क्या कहा कि यह किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अर्थात लंबाई, ताप और दाब ये आपकी क्या हो, अपरिवर्तित रहे, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मानिए यदि अगला पॉइंट है, मानिए यदि किसी चालक के, अब आप इसको माने, यदि किसी
यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर विवोल्ट और उसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी और उस चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा आई हो तो क्या होगा? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट और उस चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से होगा बी प्रोपोर्शनल आई। अब क्या होगा? प्रोपोर्शनल को हटा दें, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बी बराबर आर आई। क्या है? बी बराबर आर आई। जहां आर क्या है? आर आपका एक नियतांक है। देखो जहां आर एक क्या है? जहां आर एक नियतांक है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर वी वोल्ट हो और उस चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से क्या होगा? वी प्रोपोर्शनल आई। क्योंकि आपने कहा है कि विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपातानुपाती होता है, तो जब अनुपातानुपाती होगा तो वी प्रोपोर्शनल आई, यानी विभवांतर धारा के अनुपातानुपाती होता है तो वी बराबर, अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर लाएंगे तो एक नियतांक का स्टेट मान आ जाएगा जिसका मान आर है, तो बी बराबर आर आई या आई आर भी आप कह सकते हैं। जहां आर क्या है? एक आर आपका एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, या लिख सकते हैं अतः बी बाई आई बराबर आर, बी बाई आई बराबर आर। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि वैद्युत प्रतिरोध में आर का मान किस पर निर्भर करता है? चालक के तार पर, चालक के आकार पर। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो एक पॉइंट और लिखना है इसमें, देखिए वैद्युत प्रतिरोध, ये जो आर है, आर को क्या कहते हैं? आर को वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। बी बाई आई इक्वल टू आर, तो आर ये क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है? वैद्युत ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध का जो मान है, यानी वैद्युत प्रतिरोध ये किस पर निर्भर करता है? ताप, आकार, ताप आकार पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ओम का नियम। पहला पॉइंट, ओम का नियम किस पर आधारित है? तो ओम का नियम जो है विभवांतर और धारा और प्रतिरोध, इन तीनों में समन्वय रखता है। ओम का पूरा नाम क्या है? तो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या उन्होंने प्रतिपादित किया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपातानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट, क्या है आपका? ये वी वोल्ट है और उस चालक में प्रवाहित धारा आई हुई तो ओम के नियम से
बी प्रोपोर्शनल आई, आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर लाएंगे आर आई हो जाएगा, जहां आर एक घातांक है तो बी बराबर बी बाई आई बराबर आर, आर वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप आकार आदि पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो एक हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्या आपको जानना है वो भी पढ़ें। लेकिन बच्चों ध्यान रखें कि परीक्षा आपकी होनी ही होनी है, ठीक है, पोस्टपोन के चक्कर कम है, पोस्टपोन होने के चांसेस कम नहीं, मतलब बहुत ही पोस्टपोन तो हो ही गया है, मतलब अब बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होना है, ठीक है, प्रमोट नहीं हो रहा, प्रमोट होना नहीं है, 10 और 12 के दोनों क्लासेस जो है इसके परीक्षाएं बिल्कुल होना अनिवार्य है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी गफलत में मत रहिएगा और परीक्षा की तैयारी करें और आप रिहर्सल करते रहें और हम इसी तरह से वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।